यूं तो बरेली नाथ नगरी से प्रसिद्ध है, लेकिन उसी नाथ नगरी का एक भव्य मंदिर अलकनाथ मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर को पवित्र करके इसे सजाने की तैयारियां जोरों शोरों पर दिखी। सुबह से भक्तगण पूजा अर्चना करने के लिए कतार में खड़े रहे। इतना ही नहीं, मंदिर में सुबह से ही भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहाँ भक्त लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बरेली से हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से क्या बातचीत की सुनाते हैं आपको। मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, ये बरेली जनपद के अलकनाथ मंदिर की हैं और आज हनुमान जयंती के उपलक्ष में यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से नजर आ रही हैं। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर श्रद्धालु की, तो श्रद्धालु लोग सुबह से लोग लाइन में लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और भगवान की अर्चना कर रहे हैं। मेरे सहयोगी से कहूंगा, जरा एक बार वो ध्यान से सारी तस्वीरें दिखाएं कि आज जयंती के उपलक्ष में यहाँ किस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और श्रद्धालु लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने, पूजा करने आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर अलकनाथ मंदिर पर जयंती के उपलक्ष में सजावटें कर दी गई हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दीदी मौजूद हैं, उनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो कहाँ से आई हैं और क्या नाम है। हम कटरा चांद का पुराना शहर से आए हैं, आज पूजा करने आए हैं। हाँ, आज हनुमान जयंती है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी देर हो गई आपको? अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं आते हैं। इसी बार नहीं आ, तो दो तीन बार वैसे हो गए हैं। रश्मि कहाँ रहती हैं? कटरा चांद का बरेली। आज हनुमान जयंती है, पूजा करनी है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सजावटें कर दी गई हैं, सारी तैयारियां हैं, तो एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं घूमने। हाँ, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु लोग पूजा करने आए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उनको एक घंटा हुआ है लोगों का। आज मैं भैया से भी पूछूंगा कि वो यहाँ पर जो है कन्या खिला रहे हैं और भगवान के समय। भैया क्या नाम है आपका? अनिकेत शर्मा। कहाँ रहते हैं भैया? मिनी बाईपास। अच्छा, आज भगवान हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी, आज बाबा का जन्मदिन है, तो इसके लिए हमने सपरिवार यहाँ पे किया है आयोजन भंडारे का। आप लोग भी आइए, सहयोग करिए। ये बता दीजिए मुझे कि कितने देर से ये कर रहे हैं? हम दोपहर 12 बजे से आए हुए, और तब बहुत गर्मी थी। अब देखिए बाबा ने चमत्कार किया, हमारे पैरों की गर्मी सब दूर, और भक्त भी आ ही रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है ताता सभी का। जानवी शर्मा। अरे मिनी बाईपास। कैसा लग रहा है इस समय हनुमान जयंती को? बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे अच्छा मौसम नहीं मिलेगा। हम तो बहुत खुश है कि ऐसा मौसम हो गया, बाबा का चमत्कार हुआ, भंडारे में प्रसाद खाने वाले भक्त भी बहुत आए आंधी तूफान में, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो कन्या भी खिला रहे हैं, और साथ ही साथ उनका कहना है कि बाबा की कितनी असीम कृपा हुई कि यहाँ पर आप देखते हैं कि मौसम भी एक बदलाव आ गया और एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल हवाएं चल रही हैं, तेजी हवाओं के साथ यहाँ पर लोग आए हैं और कहीं ना कहीं लोग भंडारे भी कर रहे हैं। यहाँ पर भंडारा हो रहा है और लगातार लोग श्रद्धालु लोग भंडारा कर रहे हैं। यहाँ बेटे क्या नाम है आपका? आरव शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? कृष्णा काउंटी। कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह 12 बजे से आए, यहाँ पे अभी कितनी धूप हो रही है। अच्छा, अभी धूप हो रही थी, मौसम कैसा, हवा चल रही है? यहाँ पे अभी बहुत अच्छा है, हवा चल रही है बाबा के चमत्कार से। देखिए यहाँ पर बच्चे का भी कहना है कि बाबा का वो चमत्कार है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर धूप थी और इस चमत्कारिक चीज को आप खुद देख सकते हैं कि आज इस समय हवा चल रही है, तेज हवाओं के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग लगातार पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आते हैं और भगवान उनकी मांगों को अवश्य पूरा करता है। सहयोगी आकाश पाठक के साथ मैं नवप्रभात सिंह, ANB News, बरेली।